ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, इसके बाद वह करणागर मंदिर पहुंचने वाले हैं। हमारी सहयोगी पिनाक त्यागी वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ अमित शाह जी के स्वागत की तैयारियां जो हैं यहां पे करणागर मंदिर जो है वहां पर भी चल रही हैं। अमित शाह जी अपने पश्चिमी मिदनापुर के दौरे में, उनका एक कार्यक्रम यहां करणागर के मंदिर में आकर पूजा अर्चना करना भी है। ये अंदर जाके करणागर का मंदिर जो है, यहाँ पर अंदर प्रेस को जाने की इजाजत नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है और गाँव के जो आसपास के लोग हैं वो लामबंद हो चुके हैं। और यहाँ पर इस मंदिर को बताया जाता है कि जो करणागर का मंदिर है ये 500 साल पुराना है और अंग्रेजों की क्रांति के खिलाफ जो है यहाँ पर आवाज उठाई थी। जो गरीब लोग थे, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर ये जो देवी मंदिर है ये उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1760 में क्रांति हुई थी, यानी 1857 की जो क्रांति थी उससे भी पहले यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था जो यहाँ के लोकल्स ने किया था। कुछ लोकल लोगों से जो बीजेपी के यहाँ पर है उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम समित कुमार मंडल है, मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। समीत जी बताइए, इस मंदिर का क्या इतिहास है अंग्रेजों की क्रांति के साथ? देखिए 1760 साल जब उस समय में यहाँ का जो गरीब वर्ग का आदमी लोग था, कृषक जो था, वो लोग यहाँ पे इंग्रेज का खिलाफ पहला आंदोलन शुरू किया था। पहला आंदोलन यहाँ से ही शुरू हुआ था, पूरा इंडिया में पहला आंदोलन यहाँ से ही शुरू हुआ था। ये मंदिर 500 साल का पुराना है। क्या उसको विद्रोह को क्या बोलते हैं आप लोग? चुआड़ विद्रोह कहते हैं। चुआड़ विद्रोह कहते हैं। और यहाँ विद्रोह कहता भैया चुआड़ विद्रोह कहते हैं। तो चुआड़ विद्रोह यानी कि जो मंगल पांडे की क्रांति थी उससे पहले भी चुआड़ विद्रोह की शुरुआत जो है करणागर के इस मंदिर से हुई थी और आपकी रानी जो थी उनके नेतृत्व में। नहीं, रानी रसमणी जी का ये जगह है, ये पूरा मंदिर का उसका था। तो यहाँ पर अमित शाह जी आएंगे आज, क्या पूजा अर्चना? यहाँ पर अमित शाह जी आएंगे आज, क्या पूजा अर्चना का प्रोग्राम है? आज पूजा अर्चना का प्रोग्राम है, अंदर में जाएगा। यहाँ पे 3 मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, उसके बाद पहले माँ दुर्गा का मंदिर में जाएगा, वही मेन मंदिर है। उसके बाद भगवान शिव जी का मंदिर है वहाँ पे जाएगा, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जाएगा, उसके बाद वहाँ से बाहर आएगा। चलिए तो देखिए कि किस तरह से ढोल नगाड़े की थाप है। इतिहास और 51 पीठों में से एक ये मंदिर माना जाता है, इतिहास समेटे हुए है। ये देखिए शंख की ध्वनि के साथ यहाँ पर महिलाएं जो है शंखनाद करते हुए स्वागत की तैयारियों में यहाँ पर जुटी हुई है। करणागर के इस मंदिर में दुर्गा मंदिर है, 51 पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करेंगे अमित शाह और उसके बाद आपको बता दें कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति थी उसमें कहा जाता है कि चुआड़ का जो विद्रोह था यहाँ के लोगों ने एक अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। तो यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है, यहाँ के वोटर जो है, यहाँ की जो जनता है वो अहम रोल निभाए और जीत का उद्घोष जो है यहाँ से हो बीजेपी के लिए, इसी कोशिश के साथ यहाँ पर अमित शाह अपने दौरे पर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनाक त्यागी, करणागर मंदिर से। वक्त का ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।